हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी में हम पंजाबी समोसे बनाएंगे, जो स्नैक की तरह पूरे इंडिया में फेमस है, और पंजाबी समोसे बाहर में भी इंडिया की पहचान बने हुए हैं। तो चलिए, ये क्रंची और टेस्टी समोसे आज हम बनाना सीखेंगे, और इसके लिए हमें क्या चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये तीन बड़े आलू ले लिए हैं, बॉयल हैं, इसे छील लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे हाफ कप मटर और थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक भी घिस के रखा हुआ है। यहाँ मैंने एक कप आटे में मैदे में 1 टेबलस्पून घी मिलाया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून नमक के साथ। आप अगर कोई भी कचौड़ी या समोसे का आटा बना रहे हैं तो इसमें तेल की जगह आप घी का जब मोयन लगाएंगे तो जो कचौड़ी या समोसा बनेगा वो बहुत ही खस्ता बनेगा। तो अगर आपको खस्ता कचौड़ी समोसा चाहिए तो उसमें आप तेल नहीं डालें, मोयन में घी डालें, और अगर तेल डालना हो तो तेल को अच्छे से गर्म करके डालें। फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उस आटे को थोड़ा कड़ा बना लें, कड़ा गूँथ लें, और फिर इसे ढककर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे तो ये आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे सॉफ्ट लगाया है और अभी भी मैं इसे ढककर छोड़ूंगी। जब तक कि मैं समोसे का मसाला बना लेती हूँ, तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई रखी है और इसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। इसके अंदर अभी हम ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और घिसा हुआ अदरक को डालेंगे और इसे अच्छे से रोस्ट होने देंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा हींग, ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये भुना जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसके साथ साथ ये मटर भी डाल दूँगी। तो ये 1/2 कप मटर है और ये मैंने फ्रोज़न मटर लिया है। आपको चाहिए तो आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नमक डालकर अच्छे से मटर को फ्राई कर लिया है। अभी इसमें आलू को ऐसे मोटे पीसेस में कट करके डालूँगी। इसके साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और अब इन सब को भूनते हुए मैं मिक्स कर लूँगी और मैश भी कर लूँगी इसी कढ़ाई में। इससे जो आलू का मसाला है, जो समोसे का मसाला है, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है। इस तरह से इसे अच्छे से आप भून लें और इसी में साथ साथ में मैश भी कर लें। बहुत ही चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। इसे भूनते हुए ये ख्याल रखें कि इसे बहुत ज़्यादा ऐसे मैश नहीं करना है, थोड़े से बड़े टुकड़े रहने देने हैं, तभी समोसा फुला फुला सा बनेगा। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये भुन चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तैयार हो गया है। और मुझे इसी कढ़ाई में समोसों को फ्राई करना है, इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ और कढ़ाई में फ्राई करने के लिए तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल। और अब ये आटा भी अच्छा रेस्ट हो चुका है, तो इसे भी आप टुकड़ों में कट कर लें और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के, या ऐसे भी अगर बेल पाते हैं तो इसे बेलन से अच्छे से एक पूड़ी के बराबर इसे बेल लें। अभी मैंने इसे थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, तो यहाँ पे ये 5 बड़े टुकड़े बने हैं। थोड़ा सा पानी लेना होगा समोसों को बंद करने के लिए, और अब मैं इसे बेल रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाया है ये रोटी के साइज़ का, क्योंकि मुझे समोसे थोड़े बड़े बनाने थे। तो जैसा आपको साइज़ चाहिए आप उस तरीके से रोटी या पूड़ी के साइज़ का बना सकते हैं, बड़े या छोटे साइज़ में। तो ये देखिए, ये रोटी के साइज़ का बनाएंगे तो इसमें 2 समोसे बनेंगे जिसका साइज़ इतना बड़ा तो होगा।
अभी मैं इसका कवर बना रही हूँ। इसके लिए बीच से कट करके और फिर पानी लगा के फिर इसे अच्छे से दोनों साइड से मोड़ना होता है। इसे आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद ये इसमें जो मसाला भरेंगे, ये भी थोड़ा मोटा मसाला बनाएंगे तो अच्छे से ये फूला रहेगा चारों तरफ से। और अब ये बंद करने के लिए पानी का यूज़ करेंगे और इसे ऊपर से इस तरीके से बंद कर देंगे। पहले ये बीच में चिपकाएंगे, फिर साइड साइड से इसे इस तरीके से बंद करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट समोसा बनेगा, बिल्कुल मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा बनेगा अगर आप घर पे बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये कैसे मैं मोड़ रही हूँ और कैसे इसे भरना है। पहले कॉर्नर को दबा लें और इस तरह से इसे चिपका लें एक कवर की जैसे। और ये थोड़ा जो बड़ा पार्ट होता है उसे पहले मोड़ेंगे और फिर दोनों साइड से मोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे समोसे बना सकते हैं अपने घर में। मैंने यहाँ पे आपको दो तीन बार ये बनाकर इसीलिए दिखाया है ताकि आप अच्छे से सीख सकें अगर आप नए हैं। और अगर आपने एक बार भी इस तरीके से समोसे घर पे बना लिए तो आप कभी भी बाहर के समोसे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये कवर बनाना दो तीन बार बता रही हूँ और आप देख सकते हैं इसे अच्छे से। ऐसे पहले बीच से मोड़ेंगे और फिर साइड से दोनों साइड से मोड़ लेंगे। तो ये समोसा बिल्कुल इसी तरीके से खड़ा समोसा बनेगा। ये देखने में भी मार्केट जैसा होगा मगर खाने में मार्केट के समोसे से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। अब तेल मीडियम हीट पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करेंगे क्योंकि एक बार में ही समोसे के ऊपर ऐसे पूरी जैसे बन जाएं वो अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने तेल यहाँ पे बहुत मीडियम गरम किया है और इसमें धीरे धीरे करके एक एक करके आप समोसे डाल दें। तो समोसे के मसाले और आटे के बाद इसके फ्राई होने में भी एक ट्रिक है कि आप इसे स्टार्टिंग में कम हीट पे धीरे धीरे करके फ्राई करें, फिर जब इसमें अच्छा कलर आने लगे तो आप इसे थोड़ा सा हाई हीट करके इसका कलर अपने हिसाब से डार्क या लाइट रख सकते हैं। पर इसे पकाने के लिए हीट बिल्कुल मीडियम रखना होता है और इसे अच्छे से धीरे धीरे करके सेकना होता है। और जब आपको लगे कि समोसे अच्छे से फूल गए हैं या सिक गए हैं तब आप अपने हिसाब से इसमें कलर दे सकते हैं थोड़ा सा तेज आंच करके। तो इसी तरीके से मैंने इस समोसे को अच्छे से सेंक लिया है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है अभी। तो ये समोसा भी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के समोसे मैं बाद में बनाऊंगी, पहले इसे निकाल कर इसकी प्लेटिंग करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना खस्ता बना है। तो ये गर्मा गर्म समोसे आप केचप के साथ खाएं या ग्रीन चटनी के साथ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने समोसों को धनिया पत्ते की चटनी के साथ सर्व किया है और ये बहुत ही क्रंची,
बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाएं। मैं यहाँ पे एक समोसा अलग से अपनी बेटी को सर्व कर रही हूँ और ये देखिए कितना क्रंची है। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ऑयल को अब्सॉर्ब नहीं किया है, तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।